नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि समसामयिक घटना चक्र पुस्तक से कवर किए जाएंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी में। इसमें कुछ कुछ प्रश्नों में टिक लगाए हुए हैं, बाकी आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन और फिर आंसर देख सकते हैं, तो उससे तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि मक्का सऊदी अरब में स्थित है, यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थस्थल है और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे मक्का कहाँ है, तो अभी हमने पढ़ा कि सऊदी अरब में है। ये एमपीपीसीएस प्री 1995 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था अरबों ने। ठीक है, ये आईएएस 1995 का प्रश्न है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग कि ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में ही उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ तचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ये डिस्क्रिप्शन भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, कई बार डिस्क्रिप्शन से ही दो तीन क्वेश्चन मैच हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई, तो यह आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी। ही यूपीपीसीएस 1991 का प्रश्न है। अगला कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो यह हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों में भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 8वीं सदी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों का राज्य सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका तथा उनकी शक्ति क्षीण हो गई। ठीक है, सातवां प्रश्न, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, तो आंसर जाएगा अरब थे। ठीक है, अरब से थे। भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आगमन 636 से 637 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बम्बई के निकट थाने पर हुआ था। ठीक है, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। किसके काल में हुआ था, खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। फिर कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। इसने सिंध 712 ईस्वी तथा मुल्तान 713 ईस्वी को जीता। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम था क्या था, तुर्क था कि मंगोल था या तुर्क अफगान था या अरब था, तो आंसर हो जाएगा अरब था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। ठीक है, वह इराक के राजा अल हजाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया उसकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। फिर नौवां प्रश्न है, तचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी, तो तचनामा के अनुसार सिंधु देश की राजधानी 6वीं और 7वीं शताब्दी में अरोड थी, अरोड। ठीक है, ये बहुत अच्छा फैक्ट है, याद रखना है हम सभी को। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका कि तचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश सिंध की राजधानी अरोड थी। ध्यातव्य है कि तचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। किस वंश का, चच राजवंश, तचनामा है तो चच राजवंश का ही डिस्क्रिप्शन होगा इसमें। अगला प्रश्न, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था, इसका आंसर हो जाएगा अल्पगीन। ठीक है, संस्थापक कौन था गजनी राजवंश का, अल्पगीन। ठीक है, गजनी वंश का संस्थापक अल्पगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी है। अल्पगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदू कुछ पर्वतमाला तक था। ठीक है, अब 11वें प्रश्न पे चलते हैं। कथन ए है और कथन आर है। ठीक है, कथन ए है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, और कथन आर है कि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला तो सही है दूसरा गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं।
कि महमूद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। ठीक है, 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? आंसर देगा विद्याधर। ठीक है, इसमें कि महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 1020 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला, कोई परिणाम नहीं हुआ। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था। उनकी दृष्टि में राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए भाग कर एक बड़ा अपराध किया था। ठीक है, क्या लिख रहा है कि उनकी दृष्टि में राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए भाग कर एक बड़ा अपराध किया था। इन राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार दिया। ठीक है, 13वां प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, तो इसका आंसर देगा उत्बी था महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार। इसका देखते हैं डिस्क्रिप्शन कि महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था, वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उत्बी था। उसने किताब उल यामिनी अथवा तारीख यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। फिर शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? इसका स्टार दे रखा है, देखते इसका व्याख्या क्या दे रखा है। दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि शाहनामा के लेखक फरिश्ता ना होकर फिरदौसी है। ठीक है, शाहनामा के लेखक फरिश्ता नहीं है, फिरदौसी है। और यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। किसे? फिरदौसी को। पूर्व का होमर कौन था? तो फिरदौसी। इस प्रकार इसका संभावित उत्तर विकल्प बी होगा, जबकि फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रहा तथा बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीख फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम अदिल शाह को समर्पित की थी। ठीक है, यहाँ से कितने सारे फैक्ट मिल रहे हैं ना हमें, जहाँ से कि आयोग हो, मतलब जो भी यूपीपीसीएस हो या फिर बीपीएससी हो, ये लोग प्रश्न उठाते ही उठाते हैं। तो अगर कोई ज्यादा नहीं पढ़ के गया है और सिर्फ घटना चक्र के प्रश्न लगा रहा है, तो उससे भी बहुत फायदा होता है। जैसे 67वीं बीपीएससी में मैं लगा के गई थी, इसके बहुत सारे क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन और फिर एंशियंट इंडिया और साइंस वगैरह, तो उससे बहुत सारे प्रश्न मैच किए थे। तो बहुत ही बेहतर सीरीज चल रहा है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आप लोग इसे पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। शाहनामा का लेखक कौन था? तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। ठीक है, ये एमपीपीसी 2015 में पूछा हुआ, रिपीट करता है प्रश्न। ठीक है, तेरे पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये था अलबरूनी। ये भी पूछ सकता है, तेरे पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। वह महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, अलबरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित और धर्म तथा धर्मशास्त्र। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा वराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को उद्धृत किया है। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम एडवर्ड सांची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया है। ठीक है, अब 17वें प्रश्न में चलते हैं। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो यह भी हमने पढ़ा, अलबरूनी। ठीक है, आगे चलते हैं। अलबरूनी भारत में कब आया था? तो आया था 11वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वां प्रश्न, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो ये अलबरूनी हो जाएगा, ये बार बार रिपीट कर रहा है प्रश्न। ठीक है, 20वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो ये तीनों सही है, यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा कि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, तो ये गलत कह रहा है उसके बारे में, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था। बाकी कौन कौन से सही है देख लेते हैं। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। ठीक है, अलबरूनी एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? तो ये भीमदेव। ठीक है,
भीमदेव ने किया था सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। इसमें देखते हैं व्याख्या इसका कि महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 ईस्वी के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम 1022 से 63 ईस्वी था। महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति लूट कर वापस चला गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। फिर 22वां प्रश्न, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो ये किए थे महमूद गजनवी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें है कि संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्के के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था अव्यक्तमेकम मुहम्मद अवतार नूरपति महमूद। इस लेख के चारों तरफ अंकित लेख था अव्यक्तिया नाम आयाम टनकम हतो महमूद पूर संवतो 4181। ठीक है, तो इसका तो कोई हमें मतलब नहीं है कि क्या लिखा हुआ। ठीक है, अब फिर आगे है कि चांदी के इस सिक्के दिरहम का वजन 3.0 ग्राम था। अब 23वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? प्रश्न दोबारा पढ़ती हूँ मैं कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो आंसर हो जाएगा शिहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के साथ इसी ने युद्ध किया था। इसका व्याख्या देखते हैं कि मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था और 1205 ईस्वी तक वह साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175 से 76 ईस्वी में मुल्तान और उच्च पर आक्रमण किया, 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई, तथापि तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज की हार हुई और उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रही। तो पृथ्वीराज चौहान पर अभी एक मूवी भी आ रही है। बाकी आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। 24वां प्रश्न कि मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो आंसर जगह भीम द्वितीय ने। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया किंतु मूल राज द्वितीय या भीम द्वितीय, यहाँ से एक फैक्ट मिला में कि मूल राज द्वितीय किसका अन्य नाम था, तो भीम द्वितीय का अन्य नाम था। ये फैक्ट पूछ रहे था इस तरह से। ठीक है, तो मूल राज द्वितीय भीम द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवामान नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गोरी की भारत में पहली पराजय थी। ठीक है, 25वां प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो ये हो जाएगा आंसर चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जयचंद था ये राजा जो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था। फिर 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया? बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी अच्छी सीरीज चल रही है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ठीक है, आंसर इसका जयचंद है। आगे है 28वां प्रश्न, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो आंसर जाएगा तराइन का युद्ध। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। आगे 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 यानी महमूद गजनवी, फिर 3 मोहम्मद गोरी, उसके बाद हो जाएगा चंगेज खान, उसके बाद तैमूर। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। देखते हैं कि सन 999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ और सन 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज खान के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी दिल्ली सल्तनत के लिए भागा। सुल्तान नसरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेना नायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो ये महमूद गजनवी कब था? 999 से 1027 ईस्वी, और मोहम्मद गोरी था 1175 ईस्वी के आसपास, और फिर कौन, चंगेज खान कौन कब था? 1221 ईस्वी के आसपास, और तैमूर था 1398 ईस्वी के आसपास। ठीक है,
अगला प्रश्न, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो ये आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। अब क्यों बनवाया भाई? हो सकता है जनता को लुभाना चाह रहा हो कि नहीं हम धर्म निरपेक्ष शासक हैं। बट कैसा शासक था वो तो उसके कर्मों से पता चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। ठीक है, 21वां प्रश्न, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये 39वीं बीपीएससी का प्रश्न है। ठीक है, आगे, गोरी की विजय के वास्ते के उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 से 1226 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विविध भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। आगे, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो आंसर है बख्तियार खिलजी। ठीक है, मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध के ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नादिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की और राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूरी बंगाल में शरण ली और वहां कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, ये पूछता है प्रश्न। 33वां प्रश्न, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये आंसर जगह बख्तियार खिलजी। 60वीं से 62वीं में पूछा है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक, आगे चलते हैं। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? तो ये बख्तियार खिलजी ने किया। एक ही व्यक्ति से दो दो प्रश्न पूछे हैं एक ही एग्जाम में। ठीक है, 33वां प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, यानी द्विजन कहा गया है। तो देखते हैं कौन सा सही है। तो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, ये भी सही है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, और ये भी सही है। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। देखते इसका व्याख्या कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत में भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय शंसवनी वंश के मोहम्मद गोरी को प्राप्त हुआ है। अतः स्पष्ट है कि कथन सत्य है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विशिष्ट साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का कारण था। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन और भारतीयों की तुलना में तुर्कों की रणनीति, सैनिक संगठन, साधन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता के कारण है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। 36वां प्रश्न है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में किस शिलालेख से मिलती है? तो आंसर लगा ये दसपुर शिलालेख। ठीक है, इसी का अन्य नाम मंदसौर शिलालेख है। इसका देखते हैं व्याख्या। यहाँ पे देता है कि दसपुर मंदसौर शिलालेख कुमारगुप्त के शासनकाल का है। इस लेख में कुमारगुप्त का राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख में पट्टवाय श्रेणी रेशमी सूत बनाने वालों की समिति तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो ये हमारा कम्प्लीट हो गया भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, यानी इसमें गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश है अगला टॉपिक। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसका पहला प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अत्यधिक उपयुक्त है। दूसरा प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आंसर जगह कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बीपीएससी 47वीं बीपीएससी में, 53वीं से 55वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, यानी ये बार बार रिपीट होता है। आपको देखने में प्रश्न आसान लगता है, लेकिन जो एग्जाम है ना उसमें यही आसान क्वेश्चन सिलेक्शन का कारण बनता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो आंसर जगह कुतुबुद्दीन ऐबक। ये झारखंड पीसीएस में पूछा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, लाखों को दान देने वाले के नाम से पुकारा गया है।
फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वा भी थी। ठीक है, तो पूछेगा कि लाख बख्स किसकी उपाधि थी या फिर कुरान ख्वा किसकी उपाधि थी, तो ये सभी एक ही व्यक्ति की उपाधि थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फख्र ए मुद्दबीर को उसका संरक्षण प्राप्त था। तो यहाँ से हमें एक और अच्छा फैक्ट मिल गया कि उसके यहाँ पे है कि दरबार में किसे संरक्षण प्राप्त था। अगर नाम दे देगा तो वहाँ पे हसन निजामी का नाम होगा, फख्र ए मुद्दबीर का नाम होगा, कि वो दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए। ऐबक ने दिल्ली में कुवतुल इस्लाम और अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली में सिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ज्ञातव्य है कि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, किंतु प्रश्नानुसार विकल्प डी सही उत्तर है। ये यहाँ पे जो लिखा है ना कि उसने दिल्ली में सिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, ये 67वीं बीपीएससी में प्रश्न इस बार पूछा है। ठीक है, तो भले ही वो रद्द हो चुका है लेकिन प्रश्न बना रही है बीपीएससी, यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि किसने पूरा करवाया। अब तीन चार शासकों के नाम आते हैं लेकिन पूछ रहा है कि किसने पूरा करवाया, तो उसमें इल्तुतमिश का नाम आता है, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद है। फिर कुवतुल इस्लाम मस्जिद तथा ढाई दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है कहाँ कहाँ? तो ये दिल्ली और अजमेर में स्थित है। आगे है, निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक तो नींव रखा था, इल्तुतमिश पूरा करवाया, फिरोज शाह तुगलक उसका पांचवीं मंजिल का निर्माण करवाया था, और गयासुद्दीन तुगलक है तो इसने योगदान नहीं दिया था। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल, सॉरी मैंने पांचवीं मंजिल कहा, इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर दो और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। देखिए हो गया। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई भी योगदान नहीं दिया था। फिर आगे सातवां प्रश्न की कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर देखते हैं, इसकी राजधानी उसकी लाहौर थी। ठीक है, ये कहाँ पूछा हुआ है? 41वीं बीपीएससी में और यूपीपीसीएस प्री 1990 में पूछा हुआ है, तो आसानी की रिपीट नहीं होता है प्रश्न। देखते हैं कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की। 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। कब हुआ? 1206 ईस्वी में। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गोरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यालदौज और नासिरुद्दीन को बादशाह की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी बहन की शादी को बादशाह से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यालदौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिल पाया। ठीक है, तो परिस्थितियां ही नहीं बन पाई जिससे कि वो दिल्ली आ सके। आठवां प्रश्न, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो वो गिर के उसकी मृत्यु हो गई थी जब वो चौगान खेल रहा था। इसका आंसर देगा, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। ये पूछा है आईएसपी 2003 में। ठीक है, इसका देखते हैं व्याख्या। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल आधुनिक पोलो की भांति के खेल में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हो गई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। नौवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो ये आंसर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो ये किया था, गुलाम वंश की स्थापना की थी, लेकिन दिल्ली को ये पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे दिल्ली पूछ रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी तो लाहौर तक ही थी ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, आगे देखते हैं डिस्क्रिप्शन। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किए तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अभी हमने डिस्क्रिप्शन में देखा इसे। ठीक है, 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत काल की राजधानी थी? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, 12वां प्रश्न, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ये बार बार पूछ रहा है। ठीक है, 13वां प्रश्न, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये फिर इल्तुतमिश। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक से नहीं की, नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की। ठीक है,
खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसे विजित किया और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यालदौज और नासुरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया, भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया, मंगोल आक्रमण से बचाया, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए। ये बार बार प्रश्न पूछ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे गुलामों का गुलाम किसे कहा गया? तो आंसर जगह इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम क्यों बोल रहा है इसको? क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन का गुलाम कौन हुआ? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, देखते हैं कि गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से इसे सरे जहांदार अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया। ठीक है, 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 की थी। 40 ईस्वी में थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। ठीक है, 16वां प्रश्न है, रजिया सुल्तान के बारे में एक कथन मुझे याद आ रहा है, इतिहासकार का नाम याद नहीं है, वो मैं कभी और बता दूंगी। एक इतिहासकार है, मतलब मध्यकाल के इतिहास है, इतिहासकार है शायद, उन्होंने कहा था कि रजिया की एकमात्र गलती यह थी कि वो महिला थी, बाकी सारे कार्य उसके पुरुषों से भी ऊपर थे। तो ये तो एक था कथन जो कि थोड़ा सा कभी कभी याद आ जाता है। बाकी आगे चलिए। 16वां प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था? तो आंसर जगह इल्तुतमिश। इसके बारे में हमने भी पढ़ा भी था मुस्लिम आक्रमणकारियों वाले टॉपिक में। आगे, मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबर ने सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। ठीक है, 17वें प्रश्न में चलते, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश, किरतिया या फिर आगे देखते हैं या बलबन या अलाउद्दीन। तो अभी हमने पढ़ाई था इल्तुतमिश, इसका आंसर ये हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, 18वां प्रश्न, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, 19वां प्रश्न, चंगेज खां के दिन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के शासनकाल में। सॉरी, 20वां प्रश्न है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा तेमुचीन। ये पूछा यूपीपीसीएस प्री में 2015 में ही पूछा है, ऐसा नहीं है कि 1991-92 में पूछा हुआ है या 95 में पूछा हुआ है। इसका आंसर है तेमुचीन। ठीक है, 2015 का प्रश्न है तो पूछ सकता है दोबारा से। इसका देखते हैं व्याख्या, चंगेज खान एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खान का चंगेज खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजीन या तेमुचीन था। ठीक है, 21वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच रहा था, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार की। मोहम्मद बिन तुगलक बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तीसरा, विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के शासनकाल में वास्को दि गामा केरल के तट पर पहुंचा था। तो इसका आंसर क्या है इसमें कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आंसर जो है केवल एक। ठीक है, केवल यही सही है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। आगे चलते हैं, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत के तुर्की राज्य को मंगोलों के आक्रमण की संभावना से एक महान संकट उत्पन्न हुआ। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा था। अतः कथन एक सत्य है। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुल्तान पर अधिकार करके सिंधु नदी पार की थी। इस प्रकार तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था, न कि मोहम्मद बिन तुगलक। अतः कथन दो असत्य है। ये विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के शासनकाल में ईरान का राजदूत अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का यात्री वास्को दि गामा केरल के तट पर पहुंचा था। उस समय विजयनगर पर नरसा नायक के पुत्र तिम्मा का शासन था। ठीक है,
ये पूछ सकते हैं, यहाँ से अच्छा फैक्ट हमें मिल गया कि वास्को डी गामा के समय कौन शासक था विजयनगर का, ठीक, ये तिम्मा था। 22वां प्रश्न, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया, आंसर जाएगा मलिक जानी। ये 48वीं से 52वीं बीपीएससी में पूछा है 2008 में, ठीक है। फिर इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन नवाज को पराजित किया, अवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली, इल्तुतमिश ने अवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। 23वां प्रश्न, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, आंसर जाएगा तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था, उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। 24वां प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। इसमें सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली, उसे उलू खान के नाम से भी जाना जाता है, उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इलबरी तुर्क था, ठीक है, इलबरी तुर्क के ये इल्तुतमिश भी और ये गयासुद्दीन बलबन भी, याद रखना है, पूछ लेता है कभी कभी वैसे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 25वां, की दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, आंसर देगा बलबन। ये बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी, प्रथम सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत है, खुदाई है, और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, इस कारण जन साधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है, यानी राज्य को सबसे ऊपर रखा था बलबन। 26वां प्रश्न, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, तो आंसर जगह बलबन। ठीक है, ये 66वीं बीपीएससी 3/2020 का प्रश्न है। 27वां प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, तो कथन ए और कथन आर दिया गया है, ठीक, कथन ए देखते हैं। तो बलबन अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली, और कथन आर है वो उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन अलग अलग, ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था, इसने 1266 से 1286 तक शासन किया था, इसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर इसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। इसने सिजदा व ताबोस की प्रथा भी शुरुआत की। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण करवाया था। इस प्रकार कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 28वां प्रश्न, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, कौन सा, तो ये आंसर देगा जिल्ले इलाही। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था, उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है, राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। 29वां प्रश्न, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया है, आंसर हो जाएगा इसका बलबन, अभी हमने पढ़ा था। ये 63वीं बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया, आंसर बलबन हो जाएगा। इसकी आईएस 1993 का प्रश्न है, देखते हैं इसका व्याख्या कि अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा यानी भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस सुल्तान के चरणों को चूमने की प्रथा आरंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज बड़ी शान और शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। ऐसा कहा जाता है कि लोग दूर दूर से बलबन का दरबार देखने आते थे, इतना भव्य था बलबन का दरबार। ठीक है, आगे देखते हैं 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा है, तो पहले देखते हैं। एक, उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये सही है। उसने एकताधारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था, ये गलत है, बी आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा देखते हैं, उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, ये भी सही है, और उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी सही है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, यहाँ सही नहीं पूछ रहा था। देखते हैं डिस्क्रिप्शन, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, नसरुद्दीन महमूद ने उसे उलूक खान की उपाधि दी, तो पूछ सकता है प्रश्न, उलूक खान की उपाधि किसे दी गई थी, आंसर हो जाएगा बलबन।
और फिर पूछ सकता है कि बलवंत कोलू खां की उपाधि किसने जीती, आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, और जिल्ले अल्लाह की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी, तो एक कथन दे देगा कि नासिरुद्दीन महमूद को, महमूद ने बलवंत को जिल्ले अल्लाह की उपाधि प्रदान की थी, तो ये आंसर, ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। बलवंत स्वयं को यह उपाधि दिया था, कौन सी, जिल्ले अल्लाह की, ठीक है। उसका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक का। बलवंत अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध है। उसके राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलवंत ने राजा को नियामत खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलवंत ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगानी के गठन को समाप्त किया। बलवंत के काल में एकमात्र विद्रोह 1269 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगारिल खान ने किया था, जिसे बलवंत ने दबाया तथा विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। एकताधारी व्यवस्था का प्रचलन बलवंत ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। 32वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, तो आंसर हो जाएगा बलवंत, ठीक है। कहां की मस्जिद, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर, ठीक है। देखते हैं इसका व्याख्या, बलवंत ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद का शिलालेख किस शासक से संबंधित है, नीचे कुछ शासकों के नाम दे देगा, तो आंसर हो जाएगा बलवंत, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ, ठीक है। इस वीडियो में हम लोगों ने दो टॉपिक कवर किए हैं, पहला टॉपिक था भारत पर मुस्लिम आक्रमण और दूसरा टॉपिक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम देखेंगे खिलजी वंश। तो ऐसे ही इस ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही अन्य वीडियो आते रहेंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद।